Hey guys, I'm Sumita Kareer और आज हम रिव्यू करेंगे इस कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर का जिसका नाम है Philips Speed Pro Max Aqua. If there's one thing that you cannot escape is dust. और कोविड के चलते मेरे इरेटिक वर्क शेड्यूल्स के चलते मुझे हाउस हेल्प नहीं मिल रही है. इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी हेफ्टी है, 29,995, ऑलमोस्ट 30,000 ही हो गया. इज इट वर्थ इट? क्या आपको इसे खरीदना चाहिए और कितना इफेक्टिव है ये? वैसे मेरी नजर में तो ये गेम चेंजर है. एंड हियर आर फाइव रीजंस व्हाई. ये पूरा रिव्यू आप देखिए. तो चलिए शुरू करते हैं ये रिव्यू. तो गाइज, ये सारी जो अटैचमेंट्स हैं आपको मिल जाएंगी. एक मॉप है, एक वैक्यूमिंग के लिए है, और आप इसको इस मेन स्टिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या इंडिपेंडेंटली छोटे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या साफ करना है और कितनी दूर तक साफ करना है. चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में. यूजुअली अगर आपने मेरे रिव्यूज़ देखे होंगे तो मैं डिज़ाइन के बारे में बात करती हूँ गाइस, बट आई थिंक इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ही इसका सबसे बड़ा यूएसपी है, और इससे अच्छा आई थिंक कुछ नहीं हो सकता है. क्या है कि इसमें मॉपिंग यानी कि वेट वाइपिंग और वैक्यूमिंग यानी कि डस्ट अगर और ये पार्टिकुलेट्स अगर आपको साफ करने हैं, इसमें ये दोनों कैपेबिलिटीज कंबाइंड हैं, तो आपको अलग से कुछ और सफाई नहीं करनी पड़ेगी. तो ये जो है ये है इसका डस्ट साफ करने के लिए. इसमें यहाँ पे जो ब्रशेस लगे हैं दे इफेक्टिवली इंटेंगल हेयर, जो भी स्ट्रे हेयर हैं आपके वहाँ पे, या कोई ट्विग्स हैं या कोई लीव्स हैं या कुछ भी है, उसको अच्छे से सक करता है. और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ एक आता है मॉपिंग, जिसमें एक कंटेनर भी आता है, और लेग से पुश करने का, अपने फुट से पेडल से पुश करने का वाटर डिस्चार्ज के लिए भी उसमें ऑप्शन है. नाउ डस्ट रिमूवल तो एक अटैचमेंट से सॉर्ट हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टेन रिमूवल्स, बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर्स में ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता, बट इसमें क्योंकि वेट वाइपिंग भी है तो इसमें स्टेन रिमूवल, जो कि इंडियन होम्स में एक बहुत कॉमन फैक्टर है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं, वो भी इससे इफेक्टिवली आप साफ कर सकते हैं. बट वेट वाइपिंग में एक छोटा सा ग्लिच जो मुझे ज़रूर लगा साफ करने में, वो ये था कि अगर आप पानी की राइट अमाउंट नहीं डिस्चार्ज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि वो पीछे एक ट्रेल छोड़ जाएगा अगर आप अपने मॉप को साफ नहीं रखेंगे तो. Now that we're done with performance, let's now talk about my favorite part, the design part. So guys, अगर हम इसकी डिजाइनिंग की बात करें, आपको दिखेगा ये टिपिकल वैक्यूम क्लीनर शेप में है. इट्स मिनिमल, इट्स स्टर्डी ऑल्सो, ऑल्दो इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, बट ये सॉलिड प्लास्टिक है. ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे कुछ टक्कर खा गया या दीवार से टकराया तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. सो इट्स वेरी स्टर्डी. और दूसरी बात यह है कि इट वन हैंडेड यूसेज जो है ना इसका, दैट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी कन्वीनियंट. आप इसको लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ जो इसके डिज़ाइन को अच्छा बनाती है, यहाँ पे मेरे पास एक अटैचमेंट है, वो है इसकी अटैचमेंट्स. नाउ यहाँ पे तो मैं इसको इससे डायरेक्टली अटैच कर सकती हूँ, बट आप इसको जो इसके साथ जो लंबा रॉड वाला अटैचमेंट है उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है कि इन सब अटैचमेंट्स में मूवेबिलिटी फैक्टर है, आप इनको कहीं पे भी किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं. और गाइज, इसका एक बहुत ही अच्छा जो डिज़ाइन का कंपोनेंट मैं इसे बोलूँगी वो ये है कि इसमें एक LED भी मिलता है. नाउ बिकॉज ऑफ LED आप कभी कभी क्या होता है कि अंधेरा होता है या लाइट सफिशेंट नहीं होती, रूम लाइट तो है बट लाइट वैसे सफिशेंट नहीं है, तो ये जो LED है ये आपको दिखाएगा जो माइनर पार्टिकुलेट्स हैं, डस्ट हैं या कुछ और भी कहीं पे गिरा हुआ है, तो आप उसको इफेक्टिवली साफ कर सकते हैं. और गाइज, जो थोड़ी सी बड़ी चीज़ें हैं ना साफ करने के लिए, जैसे फूड क्रम्स हो गए या कोई छोटी मोटी लीव्स हो गई, ट्विग्स हो गई या कोई जाले हो गए, उस पर कभी कभी शायद आपको एक दो बार मोशन जो है इसका रिपीट करना पड़ सकता है. इनफैक्ट जब आप नोजल की बात करें तो आप ये लॉन्ग रॉड के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लॉन्ग नोजल के साथ भी अटैच कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू रीच यू नो फार अवे प्लेसेस जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता, या फिर अगर आपको सोफ़ा वगैरह साफ़ करना है या कुछ फ्लैट सर्फेस साफ़ करना है तो आप इन अटैचमेंट्स को डायरेक्टली भी अटैच कर सकते हैं. नाउ गाइज, मोस्ट वैक्यूम क्लीनर्स का जो मैंने एटलीस्ट इशू देखा है वो ये है कि ठीक है वो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं बट उनका सक्शन बहुत वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट गाइज इसका जो सक्शन है इट इज़ सुपर. यहाँ पे आपको दो मोड्स दिए हुए हैं जिससे आप इसकी क्लीनिंग इंटेंसिटी, जो सक्शन है, उसे बढ़ा सकते हैं. सो गाइज, अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में, बिकॉज बाकी सब तो ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी सॉर्टेड लगा. तो क्या है कि मैक्स पावर सेटिंग पे भी ये आपको लास्ट करेगा एटलीस्ट 75 मिनट्स, जो मेरे हिसाब से काफ़ी पावरफुल है आपका पूरा घर एक ही बार में साफ करने के लिए, बोथ ब्रूम के साथ
और मॉप के फंक्शन के लिए भी। नाउ बैटरी जो है इसका आपको अलग से चार्जर मिलता है जो आपको वॉल के साथ आप इसे माउंट कर सकते हैं, किसी कोने में भी रख सकते हैं स्टोर करके। सो व्हाट वर्क्स गाइस, नंबर वन गुड सक्शन, सेकेंडली इसमें आपको मॉपिंग और वैक्यूमिंग की जो कैपेबिलिटीज है वो 2-in-1 केस में मिलेंगी, और जो तीसरी चीज है जो काम करती है दैट्स इट्स बैटरीज। व्हाट डजंट, वेल मे बी फिलिप्स इसकी प्राइस थोड़ी कम कर सकता है, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की रीच से अभी भी बाहर है, सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इनफैक्ट आई यूज इट ऑलमोस्ट एवरी डे गाइज, सो थिंक अबाउट इट एंड देन टेक योर डिसीजन। बाकी मैंने आपको ये रिव्यू में बता ही दिया, आपको कैसा लगा ये रिव्यू प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप उन्हें कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उन्हें आंसर करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गैजेट टाइम, स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग ऑन टेक।